महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। शिव पुराण में इस दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था और इसी दिन शिव जी पहली बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि सनातन धर्म में इस दिन का खास महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, जिस कारण यह दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन हर शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारे कष्ट मिट जाते हैं। अगर आप शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं तो इस सब से वो प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके सारे दुखों को हर लेते हैं। साथ ही आपको मनचाहा वरदान भी देते हैं। भगवान शिव तीनों लोक के स्वामी हैं और त्रिदेव में से एक देव हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं जो हर तरह के दुखों को हरने की क्षमता रखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन नक्षत्रों की स्थिति भी शुभ मानी जाती है, इसीलिए इस दिन शिव की आराधना का फल जल्द ही मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं गिझौर के प्राचीन शिव मंदिर में, जहां की मान्यता है कि आज शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने निराकार रूप से उन्होंने अपना आकार बढ़ाया था और आज ही के दिन माँ पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा हुई थी। और आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में बहुत लोग धूमधाम से मनाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र और बैर इत्यादि रूप में चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इसी बीच में हमारे साथ यहाँ के संत, यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि बाबा, आप इस त्यौहार किस रूप में देखते हैं या इसमें पौराणिक कथाएँ क्या हैं? ये माता पार्वती और हमारे जो शिव भगवान हैं, इनकी आज विवाह की पद्धति हुई थी और आज ही के दिन हमारी माता जी और भोलेनाथ जी मिलन हुआ था और पवित्र बंधन में बंधे गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी बाबा जी, क्या नाम आपका? रामलाल शर्मा। महाशिवरात्रि पर्व को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। शिवरात्रि को आप किस तरीके से देखते हैं? शिवरात्रि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक महापर्व है हमारे लिए, जो कहीं ना कहीं प्रेम और एवं विवाह का उत्सव को हम काफ़ी अच्छे से दिल से और लगन से मनाते हैं, जिसमें बच्चे सुबह से लेकर शाम तक शिव मंदिर में सेवा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और भगवान शिव जी को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बीच में आप मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं की माना जाए अगर, तो आज ही के दिन माँ पार्वती की विवाह जो हुआ भगवान शिव के साथ हुआ था और आज ही के दिन पहली बार भगवान विष्णु ने लिंग की पूजा की थी और उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूजा की थी। क्या कुछ कहेंगे इसमें? यही है, आज ही के दिन इसीलिए महाशिवरात्रि ब्रह्मदेव जी ने और विष्णु भगवान जी ने लिंग की इनकी पूजा की, तो इसीलिए जो आज इसको शिवरात्रि महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो और भी आती है एक बार, लेकिन ये महाशिवरात्रि का पर्व होता है जिसमें जो है लोग जो है करीब 4:30-4 से ही और जल अभिषेक करने लगते हैं भगवान शंकर का, भगवान भोले का, अर्धनारेश्वर भगवान का जो है, जो आज आधे शिव और आधी माँ पार्वती का जो है मिलन होता है इस दिन। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव आज ही के दिन ये गृह जीवन में प्रवेश किए थे? हाँ, यही है और जो भी है, मेरे को इतना ही ज्ञान है जो मैंने आपको बता दिया है। बाबा जी, भगवान शिव आज गृह जीवन में प्रवेश किए थे और तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें थी, सुबह ही लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, तो भगवान शिव को यहाँ के जो भक्त हैं क्या ऐसा कुछ करते हैं इससे भगवान शिव प्रसन्न हो? क्योंकि कहा जाता है कि त्रिकालदर्शी सबसे ज़्यादा ये कह लें गुस्सा या बिगड़ैल भगवान शिव को माना जाता है, तो ऐसा क्या कुछ किया जाए इससे भगवान शिव सबका भला करें? आपका कहना सही है कि भगवान भोलेनाथ बहुत बिगड़ैल होते हैं, पर उनसे ज़्यादा भोला आज तक मतलब ऐसा कोई देव नहीं है जितने भोले हैं। आप कितनी भी गलती कर दोगे, अगर आप अपने श्रद्धा भाव के साथ उनके चरणों में आओगे तो आपको सारे जो भी आपने पाप पुण्य किया होगा सारे माफ़ करेंगे आपके। और ये तो हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सभी भाई आ करके सुबह से ही 3:30 से यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। बड़ा अच्छा था
तो ये तो हमारा आराध्य देव की पूजा है और महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इसके बारे में तो सबको जानकारी है कि मतलब क्या चीज़ है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव की जो पूजा की विधि होती है, कुछ हमको हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है। देखिए, भगवान की शिव की पूजा ज़्यादा कठिन नहीं है, है ना। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हो, रुद्राभिषेक की अलग विधि है, उसके लिए आपको दो ढाई तीन घंटे का समय लगता है और 600 मंत्र के करीब आपको रुद्राष्टी जो होती है उसको पूरा कंठस्थ करके और जो हमारे यजमान होते हैं उनको सुना करके और सिरंगी के माध्यम से भगवान का अभिषेक किया जाता है। ऊपर हमारे कांवर भी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, वो भी कांवर जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर कोई आज भगवान शिव को प्रसन्न करने में, भगवान शिव को खुश करने में लगा हुआ है और भगवान की पूजा करने में। ऐसा माना जाता है कि नंदी भी भगवान शिव के एक प्रमुख मित्र के रूप में थे। और बाबा से हम बात करेंगे, बाबा क्या कहते हैं आज शिवरात्रि के बारे में, क्योंकि लोगों का जो हुजूम आप देख रहे हैं ये है। देखो, आज के दिन भोले बाबा और पार्वती का एक ग्रस्त कहते हैं जिसको हम समाज के हिसाब से, तो उन्होंने एक गृहस्थी में अपना प्रवेश किया था और जिस इनकी जो आने वाली जो संतान हुई है, जो गणेश जी हैं, उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है और श्री गणेश जी और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरे करते हैं। और जो अविवाहित बच्चे हैं उनका जो आज संकल्प लेते हैं उनका भी उनका जो आशीर्वाद होता है वे संपूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत। बाबा ने भी बताया कि भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान शिव कितने भी गुस्सेल हों, कितने भी बिगड़ैल हों, लेकिन उनको अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। जी, आप शिवरात्रि के बारे में आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शिवरात्रि के बारे में यह है कि ये बहुत ही प्राचीन, मतलब काफ़ी समय से जो हम लोग मनाते आए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। आज के दिन सभी श्रद्धालु भक्त लोग सुबह से ही अपने आके मंदिर में भगवान को बेलपत्र, फूल, पान, जो भी उनकी श्रद्धा के अनुसार होता है वो सारी चीज़ें वो उनको अर्पित करते हैं। कई सारे लोग दूध अर्पित करते हैं, दूध, दही, जो भी से, पर कहा जाता है, पौराणिक में भी लिखा गया है कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है भोले बाबा को तो केवल एक मात्र बेलपत्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनसे किसी भी तरह की उनकी कोई भी कृपा पानी है तो आप कृपया रोज़ाना एक बेलपत्र का उनको प्रदान करें, उनको चढ़ाएं, उससे आपको सारी सुविधाएं, जो भी आपकी दुख समस्याएं हैं वो उनसे आपको निवारण मिलेगा। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है, क्योंकि साल में अगर देखा जाए तो 12 बार शिवरात्रि होती है, तो इसका यह महाशिवरात्रि इसको क्यों कहा जाता है और इसका अर्थ क्या है? देखिए, क्या है, जो महाशिवरात्रि है ये 12 माह में एक बार आती है, इसका पर्व इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो हर महीने आती हैं वो प्रदोष के नाम से जानी जाती हैं, तो है भी वो भी जिसको मानना होता है वो भी उसी तरह से मानते हैं भगवान का, जो उसी तरह विवाह का पद्धति जो होती है उसी तरह अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। बाकी महाशिवरात्रि का मेन ये है कि आज ही के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की जोड़ी बनी थी और माता पार्वती आज अर्धांगिनी के रूप में भोलेनाथ के उसमें जो है तो साथ में हुई थी। बाबा ने अभी बताया कि महाशिवरात्रि साल में 12 मनाई जाती है, वो अलग बात है, लेकिन हर महीने में शिवरात्रि जो पड़ती है वो उसको प्रदोष के रूप में मनाया जाता है और आज का दिन महाशिवरात्रि, तो हमारे साथ में मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अच्छा लगता है, यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हम तो सुबह से यहीं पर हैं, अच्छा लग रहा और यही सब। भगवान शिव से कोई कामना आपकी जो आप पूजा करने के बाद कुछ उनसे मांगे हों, कुछ कामना किए हों उनकी पूजा करने के बाद? हाँ जी बिल्कुल, कि यही कि सक्सेसफुल बना दे हमें, और कुछ नहीं, अभी तो यूथ हैं तो यही मनोकामना होगी हमारी बस। हमारे साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आप महाशिवरात्रि को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखती हैं? भगवान के रूप में, शिव जी के रूप में, कि मतलब कि ज़रूरत भी पूरी हो सके और मंदिर आगे बन सके, बढ़ सके, इसलिए। तो महाशिवरात्रि में जो पूजा होती है इसमें आप लोग कैसे पूजा करते हैं, किस विधि से पूजा करते हैं, क्या क्या चढ़ाती हैं? दूध है, फल है, मिठाई है और पैसे है, यही चढ़ते हैं। जी, हमारे साथ गुरु जी हैं, हमको ये भगवान का दर्शन करवाएंगे और आप लोग भी देखेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे हिंदुओं में और हमारे जो देवता हैं सब सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है। ये हमारे आराध्य श्री गणेश भगवान जी हैं, आप इनसे थोड़ा सा करके, ये हमारे नंदी महाराज हैं, भगवान भोलेनाथ की सवारी है ना, तो ये हमारी शिवलिंग है महादेव की और वो माता पार्वती हैं, आप थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, मैं आपको उनको बता देता हूँ।
ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजय मंगलम पुण्य काक्षा मंगला तनो हरि ओम हरि ओम त्रंबकम जाम हे सुगंधि पुष्पवर्धन उर्वारुकुण मुक्तो मुक्ति मामृतात। ये हमारी माता पार्वती जी हैं और ये हमारे माता पार्वती जी के पुत्र भोलेनाथ के कार्तिकेय महाराज जो त्रीन मुखों में साथ विराजमान हैं और ये हमारी पार्थ हुआ है और ये हमारे भोलेनाथ हैं। इसी के साथ हमारे जो श्रद्धालु हैं अपना भाव रखते हैं और भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारे घर परिवार गांव कल्याण का कल्याण हो और हम लोग भी पूजा पाठ करके अपने देश अपने हिंदुओं का अपने बीच के जो भी इष्टजन हैं सबके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ओम हरि ओम त्र्यंबकम् जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकर्णी मुक्तो मोक्षयामामृतात् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि कालहर कष्टहर दुखहर दारिद्रहर सर्वपाप हर 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 महादेव शंभो नमः पार्वती हर 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 महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती की जय। बोले गणेश भगवान की जय। तो शिवरात्रि के मौके पर लोग पूजा करते हैं अर्चना कर रहे हैं भगवान शिव को मना रहे हैं उनको बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। आप शिवरात्रि के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? शिवरात्रि हमारा त्यौहार है हिंदुओं का और इसमें भोले बाबा जी की बारात निकलती है इस वजह से हम सब शामिल हुए हैं यहाँ पर उनके बारात में। तो महाशिवरात्रि में आपने क्या चढ़ाया? भगवान से अपने लिए कुछ मांगा या देश के लिए कुछ मांगा, कैसे क्या हुआ? पहले हमने शिवलिंग में दूध चढ़ाया है और उसके बाद दूध चढ़ाने के बाद हमने बेलपत्री चढ़ाई है, भांग चढ़ाई है और धतूरा चढ़ाया है और उसके बाद फूल चढ़ा के आगे आकर हमने नंदी जी के पास प्रसाद चढ़ा के उनके कानों में अपनी जो मनोकामना है वो मांगी है। तो प्रथा ये भी है कि नंदी के कानों में अगर कुछ बोला जाए, उनसे कुछ मांगा जाए तो वो चीज़ें पूरी होती हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से कैमरामैन सरताज के साथ में सुदीप सिंह।